नमस्कार संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। अब आज हम बात करेंगे कि आप एनडीआर सीडीएस के माध्यम से या टेक्निकल एंट्री के माध्यम से या टीएस के माध्यम से कैसे सेना में अफसर बन सकते हैं, क्योंकि जो आम सिविलियन है उनको इस बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि सेना में तो जाना है लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए हम क्या क्या प्लेटफॉर्म हमारे पास है। तो एनडीए अगर आप 12th के बाद चाहते हैं कि हम एनडीए में जाएं या आर्मी अफसर बने एनडीए के माध्यम से, तो वो कैसे उसका प्रोसेस है, या ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस कैसे कर सकते हैं, टेक्निकल एंट्री में कैसे जा सकते हैं। तो हमारे साथ आज हैं कर्नल सुधीर वर्मा जो कि आर्मी से रिटायर हैं और दून डिफेंस एकेडमी में कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा सा पहले अपने एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों से शेयर करेंगे। ओके, मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए, तकरीबन 36 साल मेरी सर्विस आर्मी में, जिसमें बहुत सारे रोल्स और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स में मैं रहा, जहां बहुत कुछ सीखने को मिला और देश की और फौज की सेवा करने का मौका भी मिला। इसमें अपॉइंटमेंट्स कई तरह के थे, कुछ इंसर्जेंसी से रिलेटेड, कुछ फ्लाइंग से रिलेटेड, कुछ आर्टिलरी से रिलेटेड और बहुत तरह के एक्सपीरियंस। वंस सम ऑफ यू जॉइन द आर्म फोर्सेस यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ रोल्स डू वी हैव देयर। अच्छा सर, जो बच्चे एनडीए में जाना चाहते हैं उनको पता नहीं कि एनडीए के माध्यम से हम सेना में अफसर कैसे बन सकते हैं, तो जो एनडीए और जो टेक्निकल एंट्री है या सीडीएस है ग्रेजुएशन के बाद, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा एनडीए के लिए क्या क्या प्रोसेस है बच्चे के लिए। ओके, सबसे पहले कोई भी बच्चा, इनफैक्ट मैं बताऊँ, वी आर फॉर्चुनेट, भारत में हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पूरी की पूरी फौज वॉलंटियर है और वॉलंटियर लोगों के आने की और बच्चों के आने की कोई कमी नहीं है। बट जब भी कोई बच्चा फौज के लिए वॉलंटियर करना चाहता है इन द ऑफिसर रैंक, स्पेशली जो दूर दराज के इलाकों से और गांव से बच्चे आते हैं उनके लिए, उनका पहला डाउट ये रहता है कि हम फौज में जाएंगे कैसे। सो यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है दैट फौज में ऑफिसर कार्डर ज्वाइन करने के लिए, जो हिंदुस्तान की सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, उसको ज्वाइन करने के लिए 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। पहली बात, उम्र 16 से 19 होनी चाहिए, और जब वो कोर्स ज्वाइन करता है, जो कि 2 बार साल में ज्वाइन होता है कोर्स, एक जनवरी के महीने में और एक जुलाई के महीने में, उसकी 12th क्लास क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। ये तो उम्र और क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अभी इस एनडीए एकेडमी में जाने के लिए रिक्वायरमेंट और क्या क्या है, इसमें जाने के लिए जैसे आपको पता है कि हर एक क्लास 1 सर्विस के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए यूपीएससी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में, जिसके नोटिफिकेशन फॉर्म भरने के लिए तकरीबन 3 महीने पहले निकल आते हैं, और फॉर्म भरने के लिए 25 से 30 दिन का टाइम कैंडिडेट्स को दिया जाता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। एक बार फॉर्म भर गए, सब कुछ कन्फर्म हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद रिटर्न एग्जाम अप्रैल सितंबर में कंडक्ट होते हैं साल में 2 बार। इन एग्जाम में जो सिलेबस है वही है जो आपके 10th, 11th, 12th क्लास में आपने पढ़ा है, और इसके ऊपर एक मेरिट बनती है रिटर्न एग्जाम होने के बाद, और मेरिट बनने के बाद जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में सक्सेसफुल पाए जाते हैं उनको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि तीनों सर्विस चलाती हैं, आर्मी भी, एयरफोर्स भी, नेवी भी, डिपेंडिंग किसने अपनी चॉइस क्या दी है उस मुताबिक उनको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है, बेसिकली साइकोलॉजी बेस्ड इंटरव्यू है। और खाली इंटरव्यू ही नहीं है, इस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू है उसके 3 हिस्से हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट भी शामिल है, उसके बाद ग्रुप टेस्टिंग के कई टेस्ट होते हैं जहां आपको एज ए ग्रुप टेस्ट किया जाता है, प्लस 1-on-1 इंटरव्यू इसका 3रा हिस्सा है। सो सबको मिला के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें 2 फेजेस में काम होता है। जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, जब आप SSB के लिए रिपोर्ट करते हैं किसी भी सेंटर में, तो पहले दिन जाते ही आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के 2 हिस्से होते हैं, ओवरऑल इंटेलिजेंस रेटिंग आपकी टेस्ट की जाती है, और उसके बाद आपका बेसिकली साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन और एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द मिलिट्री प्रोफेशन टेस्ट किया जाता है। जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर पाते हैं उन्हीं को अगले 4 दिन डिटेल टेस्टिंग के लिए रखा जाता है, जिसमें मैंने पहले बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO एंड इंटरव्यू।
और चार दिन उनको टेस्टिंग करने के बाद पांचवें दिन उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। जो बच्चे वहां रिकमेंड हो जाते हैं वो आगे एक हफ्ता मेडिकल के लिए उनको रोका जाता है और उनका मेडिकल होता है। जो रिकमेंड नहीं होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग वाले बच्चे जो स्क्रीनिंग में आउट हुए वो अपने घर चले जाते हैं अगला अटेम्प्ट देने के लिए, वैसे ये बच्चे भी अपने घर चले जाते हैं जो रिकमेंड नहीं होते। मेडिकल होने के बाद जो मेडिकल में सक्सेसफुल पाए जाते हैं वो मेडिकल ख़त्म करके वापस अपने एकेडमिक प्रोफेशन में चले जाते हैं, और बाद में जब एक मेरिट बन के आती है डिपेंडिंग ऑन देयर मेडिकली क्वालिफाइड स्टेटस उनको एकेडमी कॉल करती है फॉर ट्रेनिंग। तो एनडीए में जाने का ये एक तरीका है। सर ये तो भी आपने बताया कि एनडीए के माध्यम से ट्वेल्थ के बाद हम कैसे आर्म फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ट्वेल्थ के बाद जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद कैसे हम आर्म फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे सीडीएस के माध्यम से, उसका भी यही प्रोसेस है या कुछ अलग प्रोसेस है? बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन रावत जी ने पूछा मेरे से। एनडीए के अलावा जिन बच्चों का ओरिएंटेशन साइंस और मैथ्स की तरफ ज़्यादा है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एप्टीट्यूड वो रखते हैं और अकॉर्डिंगली 10th और 12th क्लास में उनके मार्क्स भी हैं, ये नेचुरल है कि वो जेईई एग्ज़ाम जो कि इंजीनियरिंग का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है हमारे देश में, उसमें अपीयर जरूर होते हैं। नाउ ये भी एक तरीका है एज ए टेक्निकल एंट्री आर्मी में जाने के लिए इन द ऑफिसर कार्डर, जिनके अंदर डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू कॉल होता है और यूपीएससी का कंडक्ट किया हुआ रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका भी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके मिनिमम 12th क्लास में 70% मार्क्स होने जरूरी हैं इन पीसीएम, और आपका जेईई मेन एग्जाम में भी आपके अप्रॉक्सीमेटली परसेंटाइल 70% के आसपास या उससे ऊपर होनी चाहिए। नाउ डिपेंडिंग कि किस साल जेई एग्जाम का क्या कट ऑफ है उसके हिसाब से और 12th के मार्क्स जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनके कितने हैं, एक कट ऑफ दे दिया जाता है जिसके बेसिस पे डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू कॉल होती है बच्चों की, और वो एसएसबी में अपीयर होके सेम प्रोसेस जो एनडीए के लिए है वो दोहरा के अगर वो रिकमेंडेड और मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो उनको टेक्निकल एंट्री स्कीम में आर्मी के अंदर ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है, जहां पे उनकी 4 साल की ट्रेनिंग सरकार करवाती है प्लस साथ साथ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग उनकी चलती रहती है, और वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद इन्हीं को भी एनडीए की तरह मिलिट्री कमीशन ऑफिसर्स का मौका मिलता है। और कुछ बच्चे यहाँ हो सकते हैं जिनका रिटर्न क्वालिफाई ना हो, एसएसबी क्वालिफाई ना हो पाए, उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी वजह हैं कि या तो तैयारी पूरी नहीं थी या उस वक्त उस एक्सपेक्टेशन और लेवल तक पहुँच नहीं पाया बच्चा, लेकिन उसमें तमन्ना बहुत है फौज को ज्वाइन करने की, तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एक एग्जाम आता है फॉर ग्रेजुएट्स। नाउ ये भी यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट करता है एंड इसके भी नोटिफिकेशन एग्जाम कंडक्ट से तकरीबन 3 महीने पहले निकल आते हैं, 25 से 30 दिन दिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन, एंड उसके बाद रिटन एग्जाम होता है फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और ये तीनों सर्विसेज के लिए है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। These students they join as direct entry cadets into the prestigious military academies, जैसे for army Indian military academy, for air force Indian air force academy and for navy Indian naval academy। इसमें written exam qualify करने के बाद जब SSB call आपकी आती है तो SSB में system वही follow होता है कि पहले दिन screening test, जो बच्चे उसमें recommend हो जाते हैं उनको और 4 दिन की detail testing के लिए रोक लिया जाता है, और वहाँ recommend होने के बाद उनका medical test होता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, एंड एज पर द मेरिट डिपेंडिंग एज टू हाउ मेनी वैकेंसीज उस साल हैं बच्चों को इंडक्ट किया जाता है फॉर द ट्रेनिंग। तो ये सीडीएस का प्रोसेस है। अच्छा सर, जैसे बच्चे ने रिटर्न एग्जाम की अपनी तैयारी की था, उसको पता है कि मेरे पास सिलेबस क्या है, मुझे मैथ साइंस में क्या क्या करना है, लेकिन एसएसबी के बारे में बच्चे को नहीं पता होता कि मुझे वहाँ, अगर वो कहीं कोचिंग ले रहा है तो बात अलग है, अगर वो बिना कोचिंग के जा रहा है उसे नहीं पता होता कि मुझे एसएसबी में क्या क्या करना है या मुझे कैसे तैयार होना है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता पाएंगे कि एसएसबी के लिए थोड़ी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? जो बच्चे अपने आप को लाइफ में एकेडमिकली स्पोर्ट्स में जनरल रीडिंग हैबिट्स में हॉबीज़ में अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और अपना टाइम बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं और अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव कंटिन्यूसली करते रहते हैं, उनके लिए एसएसबी में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं एंड इसमें कोई कोचिंग की आवश्यकता भी नहीं है। आजकल मार्केट में काफ़ी चीज अवेलेबल है जहां से एसएसबी के टेस्ट का आइडिया मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी कोशिश करते हैं कि कोई उनको पर्सनली एसएसबी के बारे में बताए एस टू ये है क्या
और इसमें तैयारी कैसे करनी है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि SSB ये प्रोसेस टोटल 5 दिन का है, लेकिन इसमें पहला एक दिन जो फर्स्ट डे है वो बहुत क्रूशियल है। उसको हम बोलते हैं SSB स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दो टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट दिए जाते हैं। और इंटेलिजेंस टेस्ट देने के बाद इन बच्चों का एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये वही टेस्ट है जो तकरीबन हर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, टॉप क्लास बोर्डिंग स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के टेस्ट दिए जाते हैं, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। बेसिकली ये जानने के लिए कि आप अपने मेंटल वर्ल्ड में कितने ऑर्गेनाइज्ड हो और क्या आपके पास वो हुनर और वो एप्टीट्यूड है जो कि एक मिलिट्री कैडेट में पाया जाना चाहिए टू ट्रेन हिम सक्सेसफुली एज ए मिलिट्री ऑफिसर। नाउ जब हमने बात करी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट की, वहां पे आपको एक हेजी पिक्चर दिखाई जाती है, उसमें 3-4 तरह के कैरेक्टर हो सकते हैं। आपके मन में जो भी उस पिक्चर को देख के इमोशंस ट्रिगर होते हैं और जो भी पिक्चर आपके मन में आती है कि आप उस पर लिखना चाहते हैं, आप वो लिखते हैं। उस पिक्चर का फिर एवेल्युएशन होता और इस तरह आपके सारे के सारे बैच ने कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर लिखी होगी। तो बाद में इसी पिक्चर के ऊपर 15-20 बच्चों का एक ग्रुप बना के उनमें डिस्कशन होता है आपस में और आपका असेसमेंट होती है उस डिस्कशन के ऊपर भी। तो आपकी OIR, आपके पिक्चर का लिखना और आपके डिस्कशन का करना, इन 3 चीजों के ऊपर आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। एंड जो बच्चे इसमें ठीक पाए जाते हैं उनको अगले 4 दिन की डिटेल टेस्टिंग के लिए रख लिया जाता है। नौ बच्चों का सवाल यह होगा कि इसमें देखते क्या है। इसमें देखते ये हैं कि आप एक 15-20 बच्चों के ग्रुप में कितना रीजनेबली आर्ग्यू करते हो, आपकी इमेजिनेशन का स्कोप या विड्थ एंड लेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है। दैट स्टेट ऑफ इट डिपेंड्स कि आपका लाइफ में एक्सपोजर क्या है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी हॉबीज और पढ़ाई लिखाई एंड स्पेशली जनरल रीडिंग की आपको हैबिट है या नहीं, बिकॉज इमेजिनेशन हमेशा एप्लीकेशन और एक्सरसाइज करने से ही आती है। अदरवाइज इमेजिनेशन डेवलप करने का और कोई तरीका नहीं। तो आपको एक वर्ल्ड वाइड मोटा मोटा नॉलेज है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, जो सोशल और नेशनल मुद्दे हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है आपको, तो आप एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं और उसको डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसे एक मैच्योर आपकी एज का स्टूडेंट जो अवेयर है उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में बहुत लॉजिकल सॉल्यूशंस और कंक्लूजन लेके ही कम्स ऑन द टेबल और ड्यूरिंग द डिस्कशन, तो उसमें यह देखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं जो बच्चे यहां रिकमेंड हो जाते हैं अगले दिन जो उनका डे 2 है, उस दिन सवेरे उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। किसी किसी सेंटर में फर्स्ट डे ही शाम को साइकोलॉजिकल टेस्ट करा लिए जाते हैं, डिपेंड्स कौन से सेंटर में बच्चा रिपोर्ट कर रहा है। नाउ सेकेंड डे में साइकोलॉजिस्ट टेस्ट खत्म होने के बाद तकरीबन 11:30-12 के बाद आपके इंटरव्यू शुरू कर दिए जाते हैं इन द आफ्टरनून, दे रन टिल नाइट। डे 3 और डे 4 जो अगले दिन है सुबह के वक्त तकरीबन 6 से लेकर 11:30-12 तक आपके GTO टेस्ट चलते हैं। कुछ GTO टेस्ट डे 1 पे कंप्लीट हो जाते हैं रादर डे 3 पे और कुछ डे 4 को होते हैं। डे 5 सवेरे कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ इकट्ठा किया जाता है बोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए और आपको आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, और जो बच्चे वहां रिकमेंड होते हैं वो मेडिकल के रोक लिए जाते हैं। नाउ जो सेकेंड डे का हमारा शेड्यूल है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें साइकोलॉजी का एक हिस्सा दैट इज OIR एंड PPDT वो तो आपका पहले ही दिन हो गया। अभी इसी को और डिटेल में जानने के लिए कि ये बच्चे को जो स्क्रीनिंग में मोटा मोटा तौर पर ठीक पाया गया उसको डिटेल चेकिंग करते हैं कि वाकई वो एप्टीट्यूड उस लेवल का है कि इसको मिलिट्री ट्रेनिंग में इंडक्ट किया जा सके, या ये रीजन है कि बच्चा अच्छा है मगर ही मे नॉट हैव द एप्टीट्यूड फॉर मिलिट्री सर्विस। सो रिजेक्शन इस तरह नहीं लेना है कि भाई मेरा रिजेक्शन हो गया, इट इज नॉट रिजेक्शन, इट इज अ सिलेक्शन बोर्ड, बट ये जानने की कोशिश करी जा रही है कि बच्चे में मिलिट्री सर्विस के लिए अगर एप्टीट्यूड नहीं है और उसको गलती से मिलिट्री में इंडक्ट कर दिया तो ये उसके लिए, उसके परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो हरेक का ध्यान रखते हुए मिलिट्री सिलेक्शन सिस्टम बनाया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में बेसिकली बच्चे को टेस्ट दिए जाते हैं, वो होता है थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, सिमिलर जैसे आपने PPDT टेस्ट स्क्रीनिंग में किया था वही टाइप, बट इस बार आपको पिक्चर 11 और एक ब्लैंक पिक्चर दी जाती है जिसपे आप स्टोरीज लिखते हैं, इसमें डिस्कशन कोई नहीं होता। उसके बाद उसी के कंटिन्यूएशन में
कुछ वर्ड्स रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, तकरीबन 60 वर्ड्स, 15 सेकंड मिलते हैं आपको उस वर्ड पे एक सेंटेंस लिखने को, आपका रिस्पॉन्स देखा जाता है। इसके बाद आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें 60 सिचुएशंस दी जाती हैं अलग अलग तरह की, और ये जानने की कोशिश करी जाती है कि अगर ये सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में आ जाए तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। इसको शॉर्ट में SRT भी बोलते हैं। और इसके बाद आपको एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, बेसिकली इट रिलेट्स टू योर सेल्फ इमेज। आपने अपनी मेंटल इमेज में कौन से थॉट्स रखे हैं और वो 5 चीज़ों के मद्देनज़र बोले जाते हैं। उसमें आप लिखते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हो, एंड लास्ट आपके क्या एम्बिशंस हैं और आप जिंदगी में कौन सा मुकाम हासिल करना चाहते हो। ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन जब आप लिखते हैं बेसिकली आप सेल्फ ऑडिट कर रहे हैं। और जब आप शुरू में लिखना शुरू करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है, बिकॉज आपने कभी शांति से बैठ के अपने बारे में सोचा ही नहीं कि आप किस डायरेक्शन में जिंदगी को ले जाना चाहते हैं। तो ये आखिरी टेस्ट है। इन सब का निचोड़ मिला के साइकोलॉजिस्ट ये एसेस करने की कोशिश करता है वेदर यू आर अ पर्सन हु हैज गॉट गुड रीजनिंग, गुड कॉन्फिडेंस, गुड करेज एंड स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना बेसिकली, एंड क्विक थिंकिंग पावर, यू राइट वेल, यू रीड वेल, एंड यू आर ए आइडियल कैंडिडेट हु कैन बी ट्रेन्ड फर्दर एंड टर्न इन टू ए मिलिट्री ऑफिसर। तो ये तो साइकोलॉजिस्ट का हो गया। नाउ सिमिलर चीजें जो साइकोलॉजिस्ट जिस एंगल से आपको देख रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है, एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट आपको ग्रुप में दिया जाता है जहां आप अपने ही साथ के बच्चों के साथ 8 या 10 बच्चों के ग्रुप में इंटरेक्ट करते हो। अलग अलग तरह के आपको टेस्ट या टास्क दिए जाएंगे, टास्क बोलते हैं उनको, इट्स नॉट ए टेस्ट, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होंगे, लेक्चरेट होंगे, कुछ प्रैक्टिकल टास्क ग्राउंड पे दिए जाएंगे, आप अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल कुछ रूल्स फॉलो करते हुए उसको क्रॉस करोगे, और आपकी पूरी की पूरी लॉजिक, रीजनिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बातचीत करने का तरीका, दूसरों से बिहेव करने का तरीका, सब कुछ उन 2 दिन में निकल के आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जो सॉफ्ट स्किल्स एंड आपके हार्ड स्किल्स जितने भी हैं उनकी समरी उस टेस्ट में निकल के आएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट पीपल विल असेस यू वेदर यू आर ए करेक्ट कैंडिडेट टू बी इंडक्टेड इनटू द मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमीज ऑफ दिस कंट्री। सो ये हो गया GTO। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट फेज इज जब भी आपका इंटरव्यू पड़ता है, इंटरव्यू सीक्वेंस में चलते रहेंगे, इवनिंग के टाइम में जनरली इंटरव्यू चलेंगे बिकॉज मॉर्निंग के टाइम में साइकोलॉजिस्ट और GTO टेस्ट होंगे, और ये इंटरव्यू नाइट तक कंटिन्यू होंगे, और इंटरव्यू होंगे 1-on-1, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आप अकेले बैठे होंगे और इंटरव्यू दे रहे होंगे। इंटरव्यू तकरीबन 35 से 40 मिनट या कभी कभी 25 से 30 मिनट तक भी होता है, एंड उसमें भी यही सेम चीज़ें जो साइकोलॉजिस्ट और GTO जानने की कोशिश कर रहा है, बच्चे के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। बच्चों के लिए सिर्फ हिदायत ये है कि आप जो भी हो उसको छुपाओ मत, आप जैसे भी हो अपनी पूरी मेहनत से जो भी टास्क या टेस्ट आपको दिया जा रहा है उसमें रेस्पॉन्स करने की कोशिश करो। ये भी ना सोचो कि इस रेस्पॉन्स का रिजल्ट क्या आएगा, वो बाद में जो आएगा सो आएगा, आपका काम है अपना काम पूरा करना और अपने आप को उसके लिए तैयार करना। सो दैट इज हाउ यू गो फॉर द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज। तो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल सुधीर वर्मा को आपने सुना, तो इन्होंने बहुत ही बारीकी से आपको बताया कि NDA, CDS और SSB के बारे में पूरा विस्तार से कि आपको कैसे रहना है, आपको ईमानदारी के साथ जैसे आप हैं वैसे रहें, तो इनको फॉलो करें, और अगर आप दून डिफेंस एकेडमी आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। काइंडली सब्सक्राइब DDA YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।